क्या आपने कभी सोचा था कि आप कपिल शर्मा के शो पे आएंगे? भाई कपिल शर्मा अपने शो पर आए मेहमानों से, सुपरस्टार से, फिल्मी सितारों से अक्सर यही सवाल करते हैं ना, तो आज हम कपिल से सवाल करते हैं कि भाई कपिल, क्या आपने कभी सोचा था कि आप OTT प्लेटफॉर्म पर आएंगे? लेकिन जो सोचते नहीं है जिंदगी में अक्सर वही हो जाता है। देखिए भाई, कपिल शर्मा का शो टेलीविजन पर काफी हिट रहा, सुपर हिट रहा, कई सीजन्स आए, अच्छा चला, दो चैनल्स पे आया, लेकिन अब कपिल शर्मा की OTT पर एंट्री हो गई है। कपिल शर्मा ने खुद इसका ऐलान जो है कर दिया है। इंस्टाग्राम पर कपिल ने एक वीडियो शेयर किया और बताया, कपिल ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, चलो भाई बहुत दिन हो गए, अब तो बताओ मेरा कॉमेडी स्पेशल का ऑर्डर कब आएगा। तो भैया कपिल शर्मा ने खुद ये बता दिया है कि वो OTT प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। कपिल शर्मा ने खुद ये ऐलान कर दिया है कि वो नेटफ्लिक्स पर आ रहे हैं। और पहले तो ये खबरें थी कि भाई क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अब कपिल ने खुद से लिख दिया है कि कॉमेडी स्पेशल, यानी वो कुछ कॉमेडी ही करने वाले हैं। जो फिल्म उन्होंने की थी वो भी कॉमेडी थी, लोगों ने कहा था कॉमेडी शो का एक्सटेंशन है। देखिए भाई, इन दिनों कपिल शर्मा का शो जो है वो ब्रेक पर है, अब कहा यही जा रहा है ब्रेक पर है। अब ये ब्रेक परमानेंट है या टेम्परेरी है ये हमें नहीं पता, लेकिन कपिल के OTT पर आने के बाद तो यही लग रहा है कि क्या कपिल शर्मा का शो फिर से लौटेगा। कपिल शर्मा हाल ही में दोबारा से पापा बने और फिर उन्होंने शो से ले लिया ब्रेक, यही वजह बताई गई। अब हो सकता है पहले से भी तय हो कि शो को इतने ही एपिसोड्स के बाद जो है खत्म हो जाना है। फिर ये खबरें आई कि कपिल का शो फिर से लौट रहा है और सुनील ग्रोवर उसमें वापस आ रहे हैं, लेकिन सुनील ग्रोवर ने फिर मना कर दिया कि भैया मैं तो नहीं आ रहा हूं। अब कपिल शर्मा के जो खास दोस्त चंदन प्रभाकर हैं, जो शो में कपिल के नौकर का किरदार निभाते हैं, उन्हें भी एक पंजाबी फिल्म मिल गई है। उस फिल्म का नाम है होटल प्यासा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कपिल का वापस टेलीविजन पर आना जो है अब मुश्किल है, या फिर इरादा नहीं है, या फिर संभव ही नहीं हो पा रहा है? क्योंकि पहले कलर्स पे कपिल का शो आता था, कलर्स से विवाद हुआ, बंद हो गया। उसके बाद सोनी पर आया, फिर अच्छा चलने लगा, तो कपिल का सुनील ग्रोवर से झगड़ा हो गया, फिर खूब बवाल हुआ और फिर शो की TRP कम हुई, शो बंद हुआ, सुनील ग्रोवर को मनाने की कोशिशें तेज हुई, नहीं आए। फिर कपिल कुछ वक्त के लिए गुमनामी के अंधेरे में चले गए, कहा गया बहुत ज़्यादा शराब पीने लगे हैं, तरह तरह की खबरें उन्हें लेकर आने लगी। लेकिन फिर सलमान खान ने कपिल का साथ दिया, कपिल के शो को प्रोड्यूस किया और आखिरकार कपिल का शो लौटा। लेकिन अब फिर से कपिल का शो बंद हो गया है। ब्रेक है या फिर शो पूरी तरह से बंद हो गया है ये कहना मुश्किल है। लेकिन कपिल ने अब OTT पर डेब्यू किया है, पहली बार है जब कपिल OTT पर कॉमेडी शो लेकर आ रहे हैं। अब देखिए ये कॉमेडी शो कैसा होगा, कपिल नया शो बनाएंगे, टीम के साथ शो बनाएंगे, या स्टैंड अप कॉमेडी करेंगे? क्योंकि भाई स्टैंड अप कॉमेडी में कपिल को महारत हासिल है, ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज ही कपिल जीत कर जो है कॉमेडी के फील्ड में आए थे। कॉमेडी सर्कस में कपिल खूब स्टैंड अप कॉमेडी किया करते थे, और अपने शो में भी अब भी शो की शुरुआत में अक्सर कपिल जो है कुछ मिनट के लिए स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, अकेले कॉमेडी करते हैं। तो अब शो में कपिल अकेले होंगे, टीम के साथ होंगे, ये सारी डिटेल्स आना अभी बाकी है, और ये भी जब डिटेल्स आ जाएंगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो कपिल ने शायद सोचा नहीं था वो हो गया है, कपिल का OTT पर डेब्यू होने वाला है। ABP News आपको रखे आगे।